हेलो फ्रेंड्स, आई एम सत्येंद्र राव एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल NDNCC। टुडे वी विल डिस्कस द वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री। और दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। एंड गाइस, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑप्शन ए 6, बी 4, सी 8, डी 5। और गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6। कार्बन के 6 परमाणु क्रमांक होते हैं, 2 फर्स्ट कक्ष में और 4 दूसरे वाले में। लुक एट दिस डायग्राम। आप लोगों को दिख रहा होगा कि पहले जो कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे वाले 4, इससे 2+4 यानी हमारे कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पर। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन फाउंड इन फ्री स्टेट। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आप लोग जानते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, यानी समान तत्व के विभिन्न रूप। देखिए क्वेश्चन, मूल अवस्था में कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। पहला जो होता है वो क्रिस्टलीन एलोट्रॉप्स, जिसको हम हिंदी में क्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। दूसरा होता है अमॉर्फस एलोट्रॉप्स, जिसको हम हिंदी में अक्रिस्टलीय अपर रूप कहते हैं। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। निम्न में से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्बन का अकृष्टलीय अपर रूप नहीं है? अकृष्टलीय अपर रूप कोल भी है, कोक भी है, गैस कार्बन भी है। इसलिए जो आपको तीन ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें दोनों अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी अमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है, यानी कोयला भी है, कोक भी है, गैस कार्बन भी है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द हार्ड एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का सबसे कठोर और शुद्धतम रूप क्या है। ऑप्शन ए डायमंड, हीरा, बी ग्रेफाइट, सी कोक, डी चारकोल। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायमंड्स। डायमंड ये कार्बन का सबसे कठोर और शुद्धतम रूप है। लुक एट दिस फिगर। तो आप लोगों को यहाँ पर डायमंड्स दिख रहा होगा, ये बहुत ही हार्ड और प्योरेस्ट फॉर्म है किसका, कार्बन का। ये पूरे एलिमेंट में सबसे हार्ड एलिमेंट होता है। ये ट्रांसपेरेंट भी है, मतलब पारदर्शी, और ये सबसे ज्यादा चमकीला तत्व भी है हमारे एलिमेंट्स में। अब बढ़ते अपने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, एंड दिस इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ डायमंड, यानी हीरा कौन से रासायनिक बंध द्वारा जुड़ा होता है। ऑप्शन ए आयोनिक बॉन्ड, ऑप्शन बी कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी
सी कोवेलेंट बॉन्ड, सब कोवेलेंट बॉन्ड यानी उपसंयोजी, डी मेटोलिक बॉन्ड्स धात्विक। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध द्वारा कार्बन जुड़ा होता है, सॉरी डायमंड जुड़ा होता है। ये चार कार्बन परमाणुओं से एकल सहसंयोजी बंध बनाता है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। अब चलते अपने सिक्स्थ क्वेश्चन पर, एंड द क्वेश्चन इज डेट व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डायमंड, यानी हीरे का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, हीरे का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिया है और जीसीसी का मतलब ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन ए 3.52 जीसीसी, ऑप्शन बी 4.8 जी पर सीसी, ऑप्शन सी 3.82 जी पर सीसी, ऑप्शन डी 10.01 जी पर सीसी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.52 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब होता है डायमंड्स का घनत्व। और जो ग्रेफाइट का होता है वो 1.9 से 2.3 तक, ये ग्रेफाइट का होता है। बात करते हैं हीरे की हम, हीरा रासायनिक तौर पर बहुत निष्क्रिय होता है एवं सभी घोलकों में अघुलनशील होता है। इसका अपेक्षित घनत्व 3.52 जीसीसी होता है। बहुत अधिक चमक होने के कारण हीरा को जवाहरात के रूप में उपयोग किया जाता है। हीरा उसमें किरणों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होता है, इसलिए अति शुद्ध थर्मामीटर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हीरा के पास अपना कोई रंग नहीं होता है, लेकिन इसमें शुद्धियाँ पाने के कारण, मिलाने के कारण हीरा में रंग लाया जाता है। और हीरा का प्रयोग कांच को काटने में भी किया जाता है। आप लोगों से कई क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा का प्रयोग किस किस काम में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा का प्रयोग कांच काटने में किया जाता है, जवाहरात के रूप में किया जाता है इत्यादि। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपका क्वेश्चन 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, यानी निम्न में से कौन सा कार्बन का प्ररूप नहीं है। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कोल कोयला, ऑप्शन सी डायमंड हीरा, डी कार्बोरंडन। यहाँ पर दोस्तों RUNDUM रहेगा और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी कार्बोरंडम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज डैट इन अ क्लोज रूम अ मैन फॉल्स असलीप विद बर्निंग कोयल, After some time, does he become unconscious or because of what? यानी बंद कमरे में एक मनुष्य जलते हुए कोयले के साथ सो जाता है, कुछ समय बाद वह मूर्छित हो जाता है, यह किसके कारण हुआ। ऑप्शन ए द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन रूम, कार्बन डाइऑक्साइड का रूम में होना, ऑप्शन बी कोक का होना, ऑप्शन सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का होना, ऑप्शन डी चारकोल का होना। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का होना रक्त में, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इन ब्लड, रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का उपस्थित होना। अब बात करते हैं हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की, और उसके लिए हम आते अपने क्वेश्चन पर, बंद कमरे में एक मनुष्य जलते हुए कोयले के साथ सो जाता है, वो व्यक्ति सो जाता है कोयले के साथ, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है, यानी अपने ऊपर ही संकट पैदा कर रहा है।
वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है ये हम बताते हैं। देखिए, जब कोयला जलता है तो उसमें से एक गैस निकल और वो गैस बहुत ही पॉइजनस होती, मतलब विषैली गैस होती, ये वायु को प्रदूषित भी कर देती है। और उस जहरीली गैस का नाम बताएं, उस जहरीली गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम CO से लिखते हैं। अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। आप लोग बायोलॉजी के चैप्टर में पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। अब बात करते हैं अपने कार्बन की। ये कार्बन जो है ना, वो हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, जिससे कि मनुष्य बेहोश ही नहीं, मनुष्य की डेथ भी हो सकती है। इसलिए कभी भी कमरे में कार्बन जलाकर ना सोएं या कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस फ्यूल हैज द मोस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। निम्न में से कौन से गैसी ईंधन के पास अधिक कैलोरी मान है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है 150,000। और बात करते हैं कि मीथेन की, इसका 50,000 होता है, और एलपीजी का भी 55,000 होता है, सीएनजी का भी 50,000 होता है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द क्वेश्चन इज दैट विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन 11, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट ड्यू टू विच इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स, यानी ग्रेफाइट का वह कौन सा गुण है जिसके कारण इसे इलेक्ट्रोड की तरह प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, स्मूथ एंड सॉफ्ट, कोमल व चिकना, बी ओपेक अपारदर्शक, सी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक विद्युत का अच्छा सुचालक, डी नॉन ऑफ दिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक विद्युत का अच्छा सुचालक, क्योंकि ये विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। और इसके बॉन्ड्स की बात करते हैं, तो ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाता है ग्रेफाइट, यानी ये तीन कार्बन परमाणुओं से मिलकर एक षट्कोणीय संरचना बनाता है क्या हमारा ग्रेफाइट। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन 12 की ओर। और क्वेश्चन 12, व्हाट इज द वेरी इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का सबसे अशुद्धतम रूप क्या है? ऑप्शन ए, कोल कोयला, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी गैस कार्बन, ऑप्शन डी हीरा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला, ए कोल। ओके, कार्बन का सबसे अशुद्धतम रूप होता है कोयला। अब बात करते हैं कोयले की। कोयले जो होते हैं वो माइंस में प्राप्त किए जाते हैं, और इंडिया में जो प्राप्त किए, मैं आप लोगों को कुछ सिटी के नाम बता देता हूँ, झारखंड में पाया जाता, बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश इत्यादि। और जो कोयला होता है इसमें पीट, ये मतलब कुछ फॉर्म होते हैं इसके, जैसे कि एक फॉर्म होता है पीट, लिग्निट, एक लिग्नाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है, फिर एंथ्रासाइट होता है। और जो एंथ्रासाइट में होता है ना, वो 90% कार्बन होता है, और बिटुमिनस में 78% होता है, और लिग्निट में 70%, और पीट में 60% कार्बन उपस्थित होता है।
और कार्बन का सबसे अत्यधिक रूप बिटुमिनस पाया जाता है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन, यानी लोहे का परमाणु क्रमांक कितना होता है, लोहे का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 29। और इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 26। लोहे का परमाणु क्रमांक 26 होता है। दो इलेक्ट्रॉन्स पहले कक्ष में रहते हैं, 8 दूसरे वाले में, 14 थर्ड वाले में और 2 फोर्थ वाले में, इससे 26 कार्बन परमाणु हो जाते हैं हमारे लोहे में। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन है व्हाट आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड, यानी कार्बन तथा हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रोजन, बी हाइड्रोकार्बन, सी कार्बोट्रोजन, डी नॉन ऑफ द उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन तथा हाइड्रोजन से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब चलते अपने लास्ट क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन ये है विच इज द मोस्ट प्रोडक्टिव कंट्री ऑफ गोल्ड, यानी सोने का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए इंडिया, भारत, बी कनाडा, सी साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, डी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी साउथ अफ्रीका, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोना उत्पाद किया जाता है। इट मीन्स इट इज़ ए मोस्ट प्रोडक्टिव कंट्री ऑफ गोल्ड। धन्यवाद दोस्तों, जाने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, यदि अच्छा लगा हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे।